कैसे हो आप सब भाई? बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना सुबह सुबह हम ब्लॉग स्टार्ट करने का कोशिश किए हैं क्योंकि धूप नहीं आ रही थी जिसके वजह से, तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, सारा कपड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो कपड़ा लमसम 15 दिन से जमा था, हमारे घर में छोटा बच्चा नहीं है तो कपड़ा उतना जल्दी गंदा होता नहीं, लेकिन फिर भी जब ठंड का कपड़ा है तो गंदा होगा ही, तो हम बदल बदल के पहन रहे थे। कपड़ा भी बहुत सारा है, आज वो कल वो कल वो करके पहन रहे थे। सबका नंबर कभी कभी आता था, सब कपड़ा जमा कर करके रखते गए। अब हो गई है बहुत सारा कपड़ा, तो हमने सारा कपड़ा आज समेटा एक ही दिन में सब। और ये जो है ना, अच्छा कंबल में कवर हम नहीं लगाते हैं, कंबल में कवर हमें लगाना पड़ता है पीरियड के टाइम में। पीरियड के 4 दिन होती है ना, उसमें कंबल को धोना पड़ जाएगा, जिसके वजह से हम कवर लगा देते हैं। बेड पर में जितना कुछ रहता है वो हटा देते हैं, जो धोने वाला नहीं रहता वो सब चीज़ हटा दिया जाता है। तकिया बहुत ज़्यादा रहता है तो वो भी हटा देते हैं, टेडी हटा देते हैं, तकिया हटा देते हैं, एक दो कवर लगा देते हैं सिंपल वाला, और फिर वो धुल जाती है 4 दिन बाद। तो हमने वही चीज़ किया, ये सब हम मतलब जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ था उस दिन हमने ये सब लगा दिया था, चादर बिछा लिया था। तो चलो अभी सब हटा लेते हैं, सबको धुल देंगे अभी। और हमारे यहाँ महीना में एक बार इतना काम होता ही है जो सारा कुछ धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पैर पोछने वाला भी धुल जाता है। तो कंबल तो हम धो नहीं पाते, क्योंकि हमारा ये 15 साल का कंबल है और 15 साल से हमने एक बार भी इसको नहीं धोया है। क्यों? क्योंकि ये गंदा ही नहीं हो, हमारे यहाँ गंदा ही नहीं होता है, क्योंकि लोग थोड़ा सेफ्टी से रहता है, थोड़ा मतलब ध्यान से, मतलब पैर उर में गंदा रहे तो बेड पर नहीं जाना, पुराना वाला सॉक्स पहन के बेड पर नहीं जाना, ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो नहीं हुआ गंदा। और हमने जितना बेड पर कपड़ा था वो सब हटा दिया है, सबको धुल देंगे। बाकी जो ऊपर ऊपर था वो सब, ये सब हमने बचपन से देखते आया है। मेरी माँ महीने में एक बार ये सब चीज़ सिखाती थी, कैसे मतलब घर को, मतलब आप पवित्र रखना चाहते हो, अच्छे से रखना चाहते हो, तो आप ये सब चीज़ धुल दिया करो, महीना में एक बार धुल भी जाता है इसी बहाने, तो हमें भी अच्छा लगता है। हर घर के कोना सानी गंदा संदा सब निकाल देते हैं इसी बहाने, तो अच्छा लगता है उस दिन, जिस दिन 5वां 6वां दिन रहता है उस दिन। तो हमने सारा कपड़ा लिया है धोने के लिए, ठंड का कपड़ा है तो थोड़ा मेहनत तो पड़ेगा ज़्यादा, इजी सर्फ टिकिया सब का व्यवस्था रखे हुए, जो जिससे साफ़ होगा उससे साफ करेंगे, जिसका कपड़ा का जो चीज़ रहेगा उस तरह से साफ़ करेंगे। हमने मिनिमम कर लिया, मनोज जी अभी नहीं है, काहे कि मनोज जी गए हैं मुथूत फाइनेंस में इंटरेस्ट जमा करने के लिए, तो उनको वहाँ भेज दिए, तो हमको घर और दुकान दोनों देखना है, इसीलिए हमने नाइट वाला ड्रेस पहन लिया, इसलिए कि काम भी कर लेंगे, धुल भी जाएगा, काहे कि 4 दिन में ये भी 4 दिन पहने हैं कंटिन्यू, धुल भी जाएगा, काम भी कर लेंगे। अगर कोई बाई मिस्टेक कोई आता है मेडिसिन लेने तो हम वो देने भी चले जाएंगे इसी ड्रेस में, इसीलिए हमने इसको पहन लिया। एक बाल्टी कपड़ा धुल गया है तो हम इसको छत पर तब तक रख आते हैं, क्योंकि पानी हमसे गराता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत पानी इधर उधर हाथ से गारे और बाकी जो बचा ना उसको ऐसे ही डाल देते छत पर, अपना सूख जाएगा। हम महीना में एक ही बार जाते हैं छत पर जब कपड़ा धुलता है इस तरह से, तब नहीं तो बाकी हम कभी नहीं जाते छत पर, ताकि हमको 2-3 कपड़ा बाहर ही सूख जाया करता है रेलिंग पर। तो हमने सारा कपड़ा लेकर के रेलिंग छत पर चले गए, सब अच्छे से नहीं ड्राई किए हैं तो सब अपने आप पानी गरेगा इसमें से, धीरे धीरे गर जाएगा। हम सबको पसार देते, जगह देख देख के पसारे, मेरे पास जितना चुट्टा था वो सब हम दूसरे के कपड़े में लगे हुए देखे हैं। अब हमको समझ में नहीं आता कि ये सब चुट्टा मेरा दूसरे के कपड़ा में पहुंचा कैसे, वो हमें नहीं आइडिया। वैसे हम खैर लेंगे भी नहीं सबका, अब जो जिसके पास चला गया उसी के पास रहे, लेकिन अपना मतलब एक दर्जन चुट्टा में से कम चुट्टा है आप बाकी के कपड़े में लगे हुए तो तब तो पहचान तो जाएंगे ही ना, तो पहचान तो गए ही, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम सारा कपड़ा पसार के नीचे चले आए हैं, लमसम कपड़ा धुल गया है, थोड़ा बहुत अभी और बचा हुआ है। क्योंकि जिम्मी ना दुकान पर है, पापा उसको दुकान पर बांध दिए थे, तो हम झाड़ू पोछा करके जिम्मी का बिछावन कर लेंगे, तब जिम्मी आएगा तो हम झाड़ू पोछा का काम ख़त्म कर लेते। क्या होता है, यहाँ पर जिम्मी का बेड रहता है ना, तो बेड की वजह से उधर अंदर में बहुत गंदगी रहती है, जिम्मी का बाल धूल सब जमा हुआ रहता है, तो आज बेड हटा है तो वो भी साफ़ हो जाएगा अच्छे से, तो वो सब साफ़ करके अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। घर ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि जिम्मी का छोटा छोटा बाल चारों तरफ गिरा हुआ रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत रोटी खाता है तो चूहा इधर उधर करता है उस रोटी को, तो वो भी रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। तो हमने पूरा मतलब चारों तरफ से कोना सानी गंदा संदा सब निकाल के क्लीन कर लिया आ करके। और आप लोग से एक चीज़ बीच में बात कर लेते हैं, तब तक आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग मेरे जैसा गलती कभी मत करना, स्ट्राइक वाली, कभी भी दूसरा का वीडियो उठा के डायरेक्ट मत डालना, कभी नहीं, ठीक है।
ठीक है, एकदम ध्यान रखना ये चीज़। जितने भी मेरे व्यूवर्स है वो जो मेरे वीडियो देखते हैं वो, ये गलती कभी नहीं करना। उसके बाद झाड़ू पोछा का काम कम, झाड़ू का काम कंप्लीट हुआ, पोछा भी हम नहीं लगाए, पहले बिछावन उछावन कर लेते हैं तब पोछा लगाएंगे। बिछावन पर हम एक चादर डाल दिए हैं, अभी हम ये कंबल बिछाते थे उस वो चार दिन के पीरियड के टाइम में हम इसको हटा दिए थे, काहे कि धोना पड़ जाता हमें, हटा दिए थे, तो अब इसको भी वापस बिछा दिए हैं। दो तीन दिन और चलेगा, काहे कि अब मौसम तो धीरे धीरे धूप उगेगी तो गर्म होगा ही, तो ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ज़्यादा, लेकिन डाल देते हैं। रखते समय फिर इसको धोएंगे, काहे कि इस पर कंटिन्यू रहा है बेड पर तो धोएंगे, लेकिन बड़ा वाला कंबल को नहीं धोएंगे। उसको भी धूप लगा दी है, फोल्ड करके रख दिए हैं। सब तकिया का कवर पहले से खोल के हटा दिए थे, वो सब जो गर्म कवर है ये सब लगा दिए, देखे ही होंगे। इसी कपड़े में से जिम्मी का हमने दो जो है उसका ड्रेस बनाए, और दो मेरा तकिया का कवर बन गया। जितना कपड़ा बचा था सबको जोड़ जोड़ के हमने चैन लगा कर तकिया का कवर बना दिया, बहुत अच्छा कवर भी बन गया और माथा तर भी अच्छा लगता है, गर्म लगता है। उसके बाद पोछा की तैयारी करने लें। पोछा लगाने में ना हम ये तीन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, दो तो एक लाइजॉल है मेरे पास, एक और रूम क्लीनर है, उसके बाद थोड़ा सा हमने डिटॉल डाल देते हैं, इसलिए ताकि जिम्मी रहता है कहीं मुंह सटा देता है, कहीं चाट लेता है, इसलिए थोड़ा ढंग से क्लीन हो जाता है। ये रोज नहीं हो पाता, दो तीन दिन में एक ही बार हो पाता है। बिछावन है ना, वो एक पहले तो उसका जो गद्दा है वो है, वो बिछाते हैं, उसके बाद उसको ना ये गरम ऊनी टाइप कुछ है वो बिछा देते हैं डबल करके, और उसके बाद हम ना उस पर से एक चादर देते हैं, इसलिए कि जिम्मी का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी गुस्सा हो और सबको फाड़ने लगे तो कम से कम दो तीन के बाद ही बेड तक पहुँच सके, ऐसे घुमा देते हैं जिससे कि ज़्यादा बालिश में चिपके नहीं। और उसके बाद फिर हम ना एक चादर देते हैं जो सिलिक चादर है, ताकि बाल इस पर अगर आए भी ना तो झाड़ू से ऐसे कर दे या कपड़ा से झाड़ दे तो हट जाए, तो हम इसलिए इसको अच्छे से कवर करके अंदर करके ऐसे घुमा देते हैं, जिससे कि जिम्मी को डिस्टर्ब ना हो सोने में, और बाल भी नहीं लगे और अच्छे से बेड रहे भी उसका, मतलब इक्वल सेट रहे बेड। उसके बाद हम ये गर्म ऊनी शॉल है, शॉल बिछा देते हैं जो उसके देह में गर्म लगे। उसके बाद ये इसका ओढ़ने वाला है, इसको मोड़ के डाल देते हैं, अब तो ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर बिछावन को थोड़ा अंदर घी दे, जिम्मी का बिछावन का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रेलिंग पर पानी उछल लेते, क्योंकि रेलिंग पर से बहुत सारा सामान हटाए हैं, ये ठंडा में रहा। उसके बाद जिम्मी आ गया घर, घर आया तो डायरेक्ट अपना बेड पर ही जाके बैठा, उसका आदत है, वैसे भी घर आता है तो अपने बेड पर ही जाके बैठता है। बैठा था, हम उसको थोड़ी देर तक छोड़ दिए ऐसे ही कैमरा को, देखिए जिम्मी का हरकत थोड़ा थोड़ा दिखेगा, फिर शांत हो गया, क्योंकि वो बाहर से आया है, उसको लग रहा है कि क्यों हमको आज पापा दुकान पर बांध दिया, चले गए सब छोड़ के, हमको थोड़ा मायूस है। और उसके बाद पापा और वो दोनों सो गया, जब तक हम नहाए और बाकी का कपड़ा धोए तब तक दोनों सो गए, हम नहा के निकल गए। अभी बज रहा है 4 और अब हमको खाना खाना है 4 बजे, और खाने में ना आज मतलब जिम्मी के पापा को उठाते हैं, हम तो 4 बजे तक काम करते रह गए, 12 बजे से 4 बजे तक हमें तो टाइम मिला नहीं खाना बनाने का। सुबह में नाश्ते में सब्जी बनी थी, वो सब्जी है मेरे पास, और हमने ये काम का प्लानिंग कल ही किए थे। हमने 1.5 किलो दूध का दही जमा लिया था, 1.5 लीटर दूध मेरे पास था, उसका हमने दही जमा दिया था, और दही चूड़ा का प्लान था। जिम्मी के पापा जब आए थे ना तो उस समय हम बोले कि दही चूड़ा खाना है खाने में, तो बोले लाए तिलकुट मस्का, तो हम बोले वो तो नहीं है, तो चलो हम लेके आते हैं। वो तुरंत ना उसी समय उठ के चले गए थे और ले के चले आए थे। जब हम नहा के आए तो सोए हुए थे, हम बालू झाड़ लिए, हम खाना निकाले, तिलकुट मस्का तो आ ही गया, बिंदी या सिंदूर लगा लिए हैं, लगा करके हम खाना निकाले थे। अभी बाल का पानी देह पर अच्छा नहीं लगता, तो हम जो नाइटी खोले थे वही नाइटी लपेट दिए बाल में, उसके बाल का जूड़ा बना लिए हम। उसके बाद पहले जिम्मी को खाना दे देते हैं, क्योंकि जिम्मी को खाना नहीं देंगे ना तो वो नाराज़ हो जाता है, उसको पहले देते हैं। हम लोग खाना खाते तो कोशिश करते कि हम लोग अपना खाना से पहले उसको खाना निकाल दें, उसके बाद हम लोग अपना खाना लें। तो जिम्मी का खाना निकाले वो देख रहा है इस तरह से, उसका चिकन निकलता है, वैसे भी वो खुश हो जाता है कि उसका चिकन निकलता है, तो चिकन है तो इसलिए ज़्यादा खुश है वो।
भी अपना खाना निकाल लिए। हम लोग का खाने में दही चूड़ा सब्जी है, सब्जी को गर्म कर लिए, ताकि दो सुबह नाश्ते वाली सब्जी है गर्म कर लिए। गर्म करके आज से प्लान हुआ है कि आज से हम लोग बेड पर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि कुछ दिन से क्या हो रहा है, हम लोग कमा तो रहे लेकिन ऐसा लगता है ना कि बहुत तकलीफ़ झेल रहे हैं, मतलब पैसा कहीं दिखता ही नहीं। पहले था कि उतना आज़ादी से हम लोग रहते थे, वो चीज़ अभी शायद ख़त्म हो गया है। कमाते भी हैं, पैसा का पता नहीं चलता पैसा कहाँ जाता है, हर हमेशा कर्ज में रहता है। इस महीना तो हमने कोई भी मकान मालिक को रेंट भी नहीं दे पाए, इतना भी पैसा नहीं हो पाया। तो हमको लगा कहीं ना कहीं कि हम दो तीन साल से जिम्मी आए हुए बेड पर खाते बैठ के, जो कि हम लोग सब दिन ज़मीन पर बैठ के खाते थे, शायद इसके वजह से कहा कि ये बेड पर बैठ के खाना उचित नहीं है। लेकिन हम जानते थे, लेकिन मजबूरी था। तो आज से हमने प्लान किया कि जो भी हो जाए हम लोग खाएँगे ज़मीन पर बैठ के। हाँ, जिम्मी को समझ लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ताकि जिम्मी खाने नहीं देता इसलिए ताकता है नज़दीक में आकर के। तो आज से ये मेरे घर का मतलब नया ओपनिंग हुआ है कि आज से ज़मीन पर बैठ के खाना है। ये जगह डिसाइड किया गया है कि यहीं पे हम लोग बैठ के खाएंगे। तो खाने के लिए बैठे हम लोग यहीं पर, दही चूड़ा तिलकुट मस्का जैसे मकर संक्रांति में सब कुछ लेते हैं उसी तरह से लिए। जैसे खाने बैठे, थोड़ा सा हम खाए हैं, वैसे ही कॉल आया एक जगह से कि जाना है वहाँ पर सुई देने के लिए। वो बहुत बहुत अमीर लोग हैं जहाँ हम जाते हैं मेडिसिन देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए, इलाज करने के लिए। पहले तो घर में एक छोटी बच्ची का इंजेक्शन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करते करते उनके ऑल फैमिली हमसे दिखाने लगा और सबको, किसी को भी हम मेडिसिन दे देते तो सब ठीक हो जाता है। तब वो लोग ना इधर उधर के डॉक्टर पास जाना बंद कर दिया है, सब हम ही को बुलाता। अब हमको फ़ोन आ गया कि आपको चलना है, गाड़ी आ गया आपको लेने के लिए। तो हम ना थोड़ा जल्दी जल्दी खाए, अच्छे से नहीं खा पाए, थोड़ा जल्दी जल्दी खा करके गए, उसी के लिफ्ट में है, उसके घर पहुंच गए। बहुत सारा सूट नहीं किए, कह के हमसे पूछ बैठता है क्या चीज़ के लिए सूट कर पा रहे। तो फिर हम नहीं बोल पाते कि हम यूट्यूब के लिए बनाते हैं, कह के हम लिंक नहीं दिए हैं वहाँ पर। उसके बाद हम इंजेक्शन दे करके बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर घर आए हम, वो गाड़ी हमको घर पहुँचा गया। फिर घर आए तो जिम्मी के पापा काम कर रहे थे अपने घर का, वो देखें पहना दिए हैं, पहना करके अब हम चलते हैं दुकान की ओर। काहे कि आए हैं तो छत पर से थोड़ा बहुत कपड़ा जो छोटा छोटा था, उड़ने वाला था, वो सब उठा के ले आए हैं, बड़ा कपड़ा सब छोड़ दिए हैं। और जिम्मी को थोड़ा सा तिलकुट दिए हैं तोड़ के, क्योंकि उसको बोले तुम बेड पर बैठो, वो कह रहा था पापा के साथ जाएंगे, लेकिन उसको नहीं जाने दिया। अब हम चलते हैं दुकान की तरफ। जैसे ही हम जाने लगे ना, जिम्मी हमारे पीछे से दौड़ते हुए आया, तो हमको फिर वापस आना पड़ा। क्या कि हम चल भी जाते ना तो वो गेट पर खड़ा रहता, तो हम फिर वापस आकर के उसको बेड पर कैसे बैठाए, जिम्मी बेड पर बैठा, उसके बाद फिर हम दुकान गए। सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कमेंट का वेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।